लुधियाना के हम्बड़ा रोड पर इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में करीब 20 से 22 लाख की चोरी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चोर शोरूम को निशाना बनाते हुए एलईडी सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लेकर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। मैं चैतन्य गोयल, दुकान राम रतन इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर, और मेरे भाई निखिल गोयल रात को जब दुकान 9:30 बजे बंद करके निकले हैं तो हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। सुबह मेरे को 6 बजे सामने चन्नी पेंट के जिम के ओनर का और उनके ट्रेनर का फ़ोन आया है कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है और खुला हुआ है आधा शटर। तो मैं और मेरा भाई जब जैसे ही आया हम लोगों ने शटर देखा कि शटर के सारे ताले कटे हुए हैं, 5 ताले थे उसके, 500 के 500 ताले काट के और तोड़े हुए हैं। उधर से शटर आधा खुला हुआ था, हम लोगों ने पूरा शटर उठाया। हम लोग दुकान के अंदर आए, हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे तक देखा कि सारी यहाँ पर चोरी हुई पड़ी है। नीचे से गल्ला भी हमारा तोड़ा हुआ है, और हमारी जो सी मेन एलईडी है 65 इंच की एलईडी होगी और बड़े स्पीकर्स हैं वो सारे चोरी हुए। टोटल हमारी 20 LEDs चोरी हुई हैं अंदर स्टॉक की मिला के, और कम से कम ये सारा सामान था जो भी है 20-22 लाख का सामान टोटल हमारा चोरी हुआ है। कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कभी हो नहीं पा रही क्योंकि उसकी जो उनकी हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको हार्ड डिस्क के ऊपर भी हाथ मार के रोका हुआ, कुछ पिक नहीं रहा उसमें कि हार्ड डिस्क। तो ऐसे किसी पे नहीं है। कल को जैसे कस्टमर आया थे रात को, कस्टमर ने वॉशरूम वगैरह देखा था तो उसमें मे भी क्या हो सकता है, बाकी पता नहीं PB13 नंबर की गाड़ी थी या फिर हो सकता है कभी किसी ने आसपास वाले शोरूम में छेड़खानी की हो या फिर कुछ भी हो सकता है। सेल्स पर्सन भी हमारे पास एक ही है अभी तक, वो भी नहीं आया, देखते हैं उससे भी जानकारी लेंगे क्या है क्या नहीं। हमारे DVR के ऊपर उन्होंने मारा हुआ था लाइक हाथ मार के, अंदर से हार्ड डिस्क चल नहीं रही है, हार्ड डिस्क की वायरें भी हिली हुई थी और हार्ड डिस्क ख़राब की हुई है। हार्ड डिस्क जैसे हम लोगों ने आके चेक किया अब चल नहीं, अब जाके हम लोगों ने हार्ड डिस्क की प्लगिंग वगैरह किया तब जाके रिकॉर्डिंग शुरू की।